हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री में हेनरी का नियम। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत सारा ऐसा ऐसा बात है जो आपको जानकारी नहीं होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सारा जानकारी इसमें मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ डिफिनेशन को हम याद करते रहते हैं हेनरी के नियम का। हेनरी ने बहुत सारा बात बताया था जो हम लोगों को मालूम नहीं होता, तो आज देखो हम बता रहे हैं आपको, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि हम आपको फिजिक्स का भी वीडियो देंगे, मैथ का भी वीडियो देंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है देखो, टॉपिक आपका दिया हुआ है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, ठीक है ना। हेनरी का नियम, तो देखो क्या है हेनरी का नियम। तो हम सभी जानते हैं, परिभाषा तो इसका सब जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ बात समझने का है, जिससे आप जो है समझ जाओगे ना, तो फिर आपको याद ही हो जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखो हम क्या किए। एक हम पोर्ट ले लिए हैं, और इसमें क्या किए हैं हम, इसमें हम मान लो क्या, इसमें हम इसमें लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड है। तो लिक्विड में हम लेते हैं, मान लो क्या, हम लोग एक क्या करते हैं, मान लो यहाँ हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, गर्मी आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लिक्विड ले लिए हैं, और हम लोग स्प्राइट पेप्सी पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, गैस के रूप में होता है, मिला हुआ रहता है, गैस के रूप में आपको मिला रहता है, इस प्रकार से आपको मिला रहता है CO2। ये CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है उसमें, और ये आपका ये लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है। लिक्विड के रूप में आपको बोले क्या कि कोल्ड ड्रिंक से ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो इस प्रकार से जो है ना, हम लोग आप इसका यूज करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स का, तो हम CO2 इसमें मिला रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है ना। तो CO2 मिला रहता है, तो ये गैस जो है ना अपने आप थोड़ी लिक्विड में मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पी दाब लगाते हैं। क्यों दाब लगाएंगे? दाब लगाते हैं इस गैस को क्या करें, लिक्विड में घुलाएं। तो लिक्विड में घुलाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जितना अधिक हम प्रेशर लगाएंगे, उतना अधिक मात्रा में CO2 की मात्रा क्या होगा, अधिक, मतलब CO2 अधिक लिक्विड में क्या होगा, घुलेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, तो लिक्विड में गैस अधिक घुलेगा। कौन घुलेगा? गैस। मतलब क्या, देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैस अधिक घुल रहा है, मतलब गैस घुल घुल रहा है ना, तो गैस की विलयता मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, गैस की विलयता, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी? क्योंकि हम इस पर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, हेनरी ने बताया क्या, इसी सिद्धांत में बताया क्या हेनरी ने, कि पी बढ़ाने पर क्या होता है, सॉलिडिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। किसकी बढ़ेगी सॉलिडिटी? गैस की। तो देखो पी जो है ना प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हो जाएगा, सॉलिडिटी ऑफ गैस, गैस की विलयता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो अधिक मात्रा में गैस क्या होगा, लिक्विड में घुलेगा, तो गैस की विलयता बढ़ेगी। अब देखो क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं गैस की विलयता, ठीक है ना। अब देखिए इसके जगह पर क्या किया ना हेनरी ने, क्या किया, गैस की विलयता मतलब सॉलिडिटी ऑफ गैस की जगह पर क्या ले लिया, मोल प्रभाज ले लिया, मोल प्रभाज को हम एक्स से लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो कंसंट्रेशन का टर्म क्या होता है, एक होता है मोलरता होता है, एक होता है
मूललता होता है, एक होता है मूल प्रभाव जो होता है, बहुत सारा टर्म होता है ना, तो मूल प्रभाव जो होता है, तो बताओ जरा सा कि हेनरी ने ऐसा क्यों किया कि सॉलिडिटी ऑफ गैस की जगह पर क्या लिया, मूल प्रभाव लिया, इसी क्यों लिया, ये भी तो होता है, मूललता भी तो होता है, मूललता भी तो होता है, ये दोनों कारण लिया, यही क्यों लिया, कुछ तो कारण होगा ना, तो कारण ये होगा, हेनरी ने बताया था क्या कि जब भी हम कोई भी इस पर प्रेशराइज करेंगे तो इसका ताप क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए क्या, कांस्टेंट, मतलब क्या, ताप नियत होना चाहिए, और इसका क्या होता है, दोनों का ताप क्या होता है, बदलता है, ठीक है ना, तो दोनों का ताप बदलता है, इसको नहीं लिया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, मूल प्रभाव में क्या होता है, ताप क्या होता है, ताप होता है क्या, नियत होता है, मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कि इसी उद्देश्य से उन्होंने मूल प्रभाव को क्या किया होगा, लिया होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जगह पर क्या लिया होगा, मूल प्रभाज, और मूल प्रभाज में क्या होता है, जैसे गैस की हमको मूल प्रभाज निकालना था, गैस का अणु घुल रहा है तो फ्रैक्शन निकालता है, फ्रैक्शन निकालता है इस दोनों का करके, सॉल्यूट बाय क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, तो इस प्रकार से भी इसको लिया होगा, मूल प्रभाज को लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यदि हम देखो यहाँ पर जरा सा इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इसके जगह पर एक कॉन्स्टेंट आएगा ना, के एच आएगा, एच क्यों, क्योंकि हेनरी कॉन्स्टेंट है, क्या है, कैच को बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट बोलते हैं, कैच को बोल सकते हैं हम क्या, हेनरी, हेनरी कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट जो है ना वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, इसका मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब देखो कैच का क्या हो जाएगा, कैच का मान जो है ना गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना, मतलब गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, तो ये निर्भर करता है कि इस पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो क्या है, अब इससे हमको क्या हो जाएगा, एक देखो आप, अब देखो हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हेनरी का नियम बस इसी से निकल जाता है आपका, क्या आप डिफिनेशन इसको कर सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या, किसी धर्म में किस नियत ताप पर, लेकिन ताप क्या होना चाहिए, नियत, तो नियत ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर गैस, नियत ताप पर किसी द्रव में, किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। देखो इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नियत ताप पर, हेनरी ने बोला क्या, नियत ताप, चलो नियत ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलयता, किसी गैस की विलयता क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ना, किसी गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती, दाब क्या है, पी है, तो इसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अभी आपको बोले क्या हम कि पी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या प्रेशर बढ़ाएंगे हम तो CO2 की मात्रा उतना ही अधिक लिक्विड में घुलेगा, ठीक है ना, मतलब सॉलिडिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि P बढ़ेगा तो X भी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सॉलिडिटी की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम, X लिख रहे हैं ना, इसी की जगह पर क्या लिख रहे हैं हम, X लिख रहे हैं, मतलब सॉलिडिटी बढ़ रहा है ना, तो ये भी तो बढ़ेगा ना, X भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, अब एक नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि मान लो क्या हम क्या करते हैं, पी को कांस्टेंट कर लेते हैं, क्या करते हैं, पी को कांस्टेंट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखो पी को मान लो बोला क्या हमको कि पी को चलो कांस्टेंट कर लेते हैं, चलो हमने कर लिया कांस्टेंट, पी का मान बदलेगा नहीं, ठीक है ना, पी कांस्टेंट कर लिया हमने, तो देखो कांस्टेंट कर लेंगे हम तो ये के एच है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी हो गया और ये क्या हो जाएगा, वन बाय के एच होगा ना, पी अभी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी ले सकते हैं ना, वन बाय क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लो क्या, अब देखो ये क्या है, ये जो है ना के एच का मान बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, देखो प्रोपोर्शनल यहां था ऐसे इस प्रकार से था तो पी का मान बढ़ रहा था, एक्स का मान भी बढ़ रहा था, लेकिन अभी क्या उल्टा है ना, वन बाय है ना, इसलिए हमेशा याद रखो के एच का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा,
घटेगा, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि के एच का मान यदि बढ़ता है ना, तो एक्स का मान क्या होगा, घटेगा। ये तो सही है ना। अभी देखो आप बोले थे क्या, एक ये हो गया के एच का मान बढ़ेगा तो एक्स का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हम क्या, ये जो है ना, अब नीचे से मान लो क्या, हम एक अब हमसे पूछ रहा है क्या कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या सॉलिडिटी क्या होगी इसकी, मतलब गैस की विलयता क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर भाई बढ़ा दो, टेम्परेचर नीचे नियत नहीं रखना है, कांस्टेंट नहीं रखना है, मतलब क्या टेम्परेचर को बढ़ा देना है। तो टेम्परेचर को चलो हमने बढ़ा दिया, इस प्रकार से हमने क्या किया, नीचे से दे रहे हैं, ठीक है ना। नीचे से क्या करें, हम हीट दे रहे हैं, तो नीचे से जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा बोलो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड है, इससे मान लो क्या ये वेपर बनाएगा ना, ये क्या होगा, ऊपर उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा, मतलब क्या ये जो गैस है इसको अच्छे से घुलने देगा ना, पहले जो हम घुला रहे थे इसको आराम से घुला रहे थे, अब क्या होगा, ये जो है ना लिक्विड क्या हो रहा है, वाष्प बन के उड़ेगा ना ऊपर, ऊपर उड़ेगा मतलब क्या, इसको ठीक से घुलने नहीं देगा, नीचे से भी प्रेशर करेगा उसको, ऊपर से हम पहले जितना प्रेशर दे रहे थे अब ये भी नीचे से भी प्रेशर दे रहा है, मतलब क्या, इसका मतलब है क्या, CO2 क्या होगा इसमें, क्या होगा, कम घुलेगा, क्योंकि नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं भाई, पानी मान लो पानी है, ये पानी है या मान लो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये तो मान लो क्या उबलेगा ना, तो उबलेगा मान लो क्या, ये अपने अपने से बाहर वेपर करेगा ना, मतलब वाष्प क्या करेगा, बाहर करेगा, बाहर निकालेगा ना, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं किसका, CO2 घुलाने के लिए, तो बोलो घुलेगा, आधी घुलेगा या कम घुलेगा, कम घुलेगा, क्योंकि ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं और नीचे से भी प्रेशर दे रहा है ना, तो घुलेगा कैसे, ये तो ऊपर ऊपर ही भागेगा ना, ये CO2 जो है ऊपर भागेगा ना, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, इसको नीचे से भी क्या हो रहा है, निकल रहा है वाष्प, निकल रहा है ना नीचे से, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, CO2 क्या होगा इसमें लिक्विड में, क्या होगा, कम घुलेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो CO2 क्या होगा, कम घुलेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, CO2 क्या होगा, कम घुलेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया इसका, बोलो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि इसका नीचे से मान लो हीट कर रहे हैं, हम हीट करेंगे मान लो, तो इससे क्या होगा, वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा ना, इस प्रकार से क्या होगा, CO2 को तो घुलने देगा ना अच्छी तरह से, पहले का अपेक्षा क्या होगा, कम घुलेगा ना CO2, तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, और तो इसका मतलब ये, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। सॉल्युबिलिटी को हम बोल सकते हैं क्या, एक्स भी तो बोल सकते हैं ना, एक्स भी बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम क्या लिखे थे, मोल फ्रैक्शन लिखे थे ना, मोल प्रभाज लिखे थे, सॉल्युबिलिटी के बराबर क्या लिखे थे, मोल फ्रैक्शन लिखे थे ना, मतलब क्या सॉल्युबिलिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या मोल फ्रैक्शन भी तो घट रहा है ना। अब देखो जरा से आपको पूछेगा, जब देखो यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी घट रहा है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो क्या बचा हुआ, यहाँ देखो यहाँ क्या बचा हुआ, यहाँ के एच, यहाँ देखो जरा सा, तो क्या बचा, ये दोनों तो मान लो कैंसिल हो जाएगा ना, ये सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, टेम्परेचर बढ़ रहा है और के एच, देखो के एच भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मान लो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी कॉमन आ गया, कैंसिल कर दिया इसे, ठीक है ना। अब क्या बचा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, के एच भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कॉन्स्टेंट क्या होता है, बढ़ता है, मतलब ताप बढ़ने पर के एच का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ बताए थे टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है, क्यों घटता है, बताए थे ना कि नीचे से मान लो ये हम जला कुछ हीट किए इसको, इससे वाष्प निकलेगा, इसमें क्या होगा, CO2 की मात्रा क्या होगा, कम घुलेगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ था, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया, टी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपको दो तीन केस बताए, आप सुन देख लो जरा सा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच बढ़ेगा, ठीक है ना। एक बताए क्या, तो इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, टी प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, के एच, नहीं होगा, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, टी बढ़ेगा तो के एच भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको इस प्रकार से इसका क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, टी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, के एच हो गया, ठीक है ना। आपका ये हो गया, तो आपको ये लिखा है, एक हम एक बोले क्या, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ता है, एक्स बढ़ता है, कब, जब
टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। जब क्या हो? टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। यही हेनरी का नियम बोला था। हेनरी ने यही बात बोला था क्या कि टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो इसके बराबर ये होता है। नहीं, एक ये हो गया आपका, ठीक है। एक और बताए भी आपको हम क्या कि जब हम पी को कांस्टेंट रखते हैं तो एक्स एक्स जो है ना वो होता है क्या प्रोपोर्शनल, किसके होता है? प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपको क्या 1/KH का हो जाएगा। इस कंडीशन में बोले थे क्या पी को क्या रखना है हमको? कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? KH इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगा इसका। तो क्या होगा? एक्स क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका होता है। तो आपका यही हेनरी का नियम हो गया।